हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करी है। हम लोगों ने इंडक्टिव अपन कवर किया था लास्ट वीक मंडे की क्लास में। हम लोगों ने कवर किया था हाइपर कॉन्जुगेशन। उस दिन सिर्फ भावना वॉज इन द क्लास, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट अवेलेबल उस दिन। सो आप लोगों से आई होप रिकॉर्डिंग शेयर कर दी गई होगी। सो आप वहां से हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मतलब समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बिना रेजोनेंस को समझे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो हम लोग आज समझेंगे रेजोनेंस। इसका मतलब क्या होता है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी वो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आज की क्लास में। चलो क्लास शुरू कर, मैं समझाती हूँ रेजोनेंस वर्क कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। लेट्स से हमारे पास ओजोन है, O3, ठीक है बच्चों। सो हमारे पास जब ओजोन है, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तीसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। याद है इसके स्ट्रक्चर में एकदम ऐसा शुरू से कंफ्यूजन रहता था। चलो ऐसा करते हैं, ओजोन से पहले कार्बोनेट लेते हैं, वो ज्यादा आसान है, फिर ओजोन पर भी आते हैं। पहले ऐसा करते हैं, कार्बोनेट समझते हैं, CO3 2- कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन पहले ये वाला समझते हैं, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है। आप क्या करते हो, कार्बन है, कार्बन के साथ तीन ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। कैसे बनाते हो, इधर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ठीक है। इस तरह कर आपने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कितने डबल बॉन्ड्स हैं, तो आप बोलोगे एक डबल बॉन्ड है, और मैंने आपसे पूछा कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये और ये एक सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे कि इनकी ये वाली चीज यहाँ पर याद कर लो फटाफट से, बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो आपने बोला मैम ये और ये दो हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स हैं, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और एक डबल बॉन्ड है, एक की बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पाया, हमने फिर चेक किया कि तीनों बॉन्ड्स, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है, तीनों कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ बराबर है। ये कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ हो क्या रहा है, हमने सोचा था कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, इस वाले की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी। लेकिन हो रही है रेजोनेंस, कैसे हो रही है रेजोनेंस, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, -1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ये ऑक्सीजन ने बोला कि मैं कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाऊंगा। देखो सिग्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है, सिग्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये ऑक्सीजन ने बोला मैं कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाऊंगा, दूसरा बॉन्ड बनाऊंगा, आई विल गिव माई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का अपना और एक एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से, एक अपने की वजह से नो चार्ज, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज है। तो उसने बोला मैं ये ऐसे करके दूंगा और हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मैं कार्बन के साथ एक और बॉन्ड फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ये कार्बन ने बोला, बच्चों ये समझ में आया है दो इलेक्ट्रॉन क्यों है, जैसे लेट से था Na2CO3 कैसे बना था, सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, दोनों सोडियम एटम्स ने, Na प्लस की फॉर्म में होता है ना, Na प्लस क्यों होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दो सोडियम एटम्स है तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, तो कार्बोनेट ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसलिए CO3 2- चार्ज। तो मतलब हर ऑक्सीजन पे -1 -1 चार्ज है। इस ऑक्सीजन ने बोला मैं कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करूंगा, तो कार्बन ने बोला
कि कार्बन तो सिर्फ चार ही बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, कार्बन की तो कैपेसिटी चार बॉन्ड्स की होती है, टेट्रावैलेंट वो पांच बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता है। सो कार्बन क्या करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है। देखो मैंने एरो कैसे बनाया इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बच्चों तो अपने पास रखेगा ही, ये वाला उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपने पास रखेगा ही, ये वाला और ले लेगा, ठीक है। सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी सी तो बीच में ही है, ये ओ माइनस एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर हो जाएगा ओ माइनस और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। दिस इज आर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पर इधर पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये वाले ऑक्सीजन ने बोला कि मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मेरे को भी पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, मेरे को भी डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए कि वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर कार्बन ने बोला कि मेरे तो ऑलरेडी चार बॉन्ड्स बने हुए हैं, मैं पांचवा बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता हूँ, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए और बन गया तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, इन तीनों को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बारी पाई बॉन्ड यहाँ है, इन दोनों पे माइनस वन चार्ज आया, एक बारी पाई बॉन्ड यहाँ है, इन दोनों पे माइनस वन चार्ज आया, और एक बारी पाई बॉन्ड ऊपर है, इन दोनों पर माइनस वन चार्ज आया। दीज आर थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन तीनों एप्लीकेबल है। सो अब आप कहीं पर भी ना ये नहीं कह सकते कि एक सिंगल मतलब एक डबल बॉन्ड और बाकी दो सिंगल बॉन्ड है, नहीं, तीनों पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और उसको बच्चों हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बाद ओजोन का करते हैं ना। सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सी ओ ओ ओ, ये अलग अलग कलर के हो गए, ऐसे जो पाई बॉन्ड है बच्चों यहां पर भी हो सकता है, ऐसा डॉट डॉट से दिखा दो, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात, माइनस टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस दो, और वो कितने में घूम रहा है, तीन ऑक्सीजन एटम्स में घूम रहा है, तो माइनस टू बाय थ्री, माइनस टू बाय थ्री, माइनस टू बाय थ्री, एंड दिस इज आवर फाइनल रेजोनेटिंग वो, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और रिप्रेजेंट करते हैं आर एच। ये होता है बच्चों रेजोनेंस। रेजोनेंस में हो क्या रहा है, हमने जब भी बच्चों एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पर व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि ऐसा नहीं है कि दो में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है सीओ बॉन्ड और एक में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। उन्होंने जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए तो दे रियलाइज कि तीनों में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये वाली चीज कैसे पॉसिबल है। सो वो वाला कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की ऑल द प्रॉपर्टीज कि सबका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड एनर्जी होगी, वो सारी चीजें एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सारी चीजों के लिए हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, उस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस, उस फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस।
क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समझ में आया बच्चों? कोई तो रिप्लाई कर दो, आ गया ना, है ना? ओके, अभी मैं इसकी डेफिनेशन दिखा रही हूँ, इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां आप गलती कर सकते हो वो ये है कि जो एटम्स की पोजिशन है, एलिमेंट के जो एटम्स है, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, एटम्स को नहीं छेड़ना, एटम्स की अपनी पोजिशन से नहीं हिलाना है। किसको हिलाना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हीं को हिलाना है, ठीक है? उन्हीं की जो है वो मूवमेंट दिखानी है, गॉट इट? एटम्स अपनी जगह फिक्स्ड रहेंगे, ओके? यहाँ पर मैंने इनकी डेफिनेशन लिख रखी है बच्चों, एक बार रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख लो। जस्ट गिव मी वन सेकंड, ये हट जाए, ओके? रेजोनेंस कैसे होता है? वन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, जैसे कार्बोनेट था, वो एक ही मॉलिक्यूल को कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर रहे हो, ठीक है? ईच ऑफ विच, उनमें से हर कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है, बट सारी की सारी, नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज, बट कैन नॉट, बट नन ऑफ देम, हाँ नन ऑफ देम लिख रखा है, हाँ, बट उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर सारी की सारी प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। जैसे कि यहां हमने बोला कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे कि दो में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है, वो पूरी की पूरी डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी, लेकिन कंप्लीटली सारी सारी प्रॉपर्टीज की सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वो वाली सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तब हम बोलते हैं रेजोनेंस की हमको जरूरत पड़ी, ठीक है? रियल स्ट्रक्चर जो होता है, रियल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का लाइज समवेयर इन बिटवीन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बनाए थे उन सब के बीच में रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो लाई करता है, ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है? ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इट एग्जिबिट्स रेजोनेंस। जल्दी से ये नोट डाउन करो, मतलब इसको ऐसे समझना, नोट डाउन भी करते रहो, सुनते भी रहो बच्चों, एक सिंगल स्ट्रक्चर ना मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पा रहे, ठीक है? सो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो समझाने के लिए हमको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना पड़ा, ठीक है? सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम लोग नहीं समझा पा रहे, तो हम बोलते हैं द मॉलिक्यूल इज सेड टू एग्जिबिट रेजोनेंस, ठीक है? ये वाला लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ बच्चों, आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन दिस, यस मैम, है ना? ओके, हाँ, जस्ट वन सेकंड। रेजोनेंस कब अकर करती है? इट्स सेट टू अकर जब एक ही मॉलिक्यूल के लिए वी कैन राइट टू और मोर यूवी स्ट्रक्चर्स, एक ही मॉलिक्यूल के लिए दो या दो से ज्यादा हम लोग यूवी स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर करती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर कर रही है, एंड नॉट द पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम्स अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, एटम्स को आपको नहीं हिलाना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आप लोगों को दिखाती है, ठीक है? जो यूवी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक सिंगल यूवी स्ट्रक्चर सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इज नॉट केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है? एंड उन लुविस स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आरएस लिखा था ना पीछे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं,
कहीं पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखा होगा या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स लिखा होगा। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं बताते हैं, वो हम बताते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड से। यो ल्यूविस स्ट्रक्चर इतने सारे बनाए थे ना, उन सबका हाइब्रिड लेकर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल एरो। ये वाला डबल एरो का सिंबल होता है, इस डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस। नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे सिंपलेस्ट। तो आप कैसे करते हो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दो सिग्मा बॉन्ड्स है कार्बन के लेफ्ट राइट, दो पाई बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकती है। कैसे होगी रेजोनेंस? ये वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, ये ऑक्सीजन पे ठीक है। ऑक्सीजन के टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 2.6, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के मैं से बना देती हूँ, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2.4, 1, 2, 3, 4, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 2.6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 के साथ इसने वो कर रखा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने और 7 और 8वां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, CO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब यहाँ रेजोनेंस कैसे होगी? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कभी भी सिग्मा बॉन्ड को नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही आप छेड़ते हो रेजोनेंस के अंदर यूज करते, ठीक है। सो क्या करो, ये वाले ऑक्सीजन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का लालची, तो उसने क्या किया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लिए। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन पर 1, 2, 3, 4, 2 तो लोन पेयर थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने, इसने ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना ही था, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इसने अपनी तरफ ले लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब भी लिया ना, इसको जब भी इसने खींचा तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आने से -1 चार्ज आता है, और माइनस को कभी कभी ऐसा कुछ टीचर्स ऐसा दो डॉट भी लिख देते हैं कि एक ऑक्सीजन का अपना था उसकी वजह से नो चार्ज, तो ये वाला अपना था उसकी वजह से नो चार्ज, और ये वाला जो उसने खींच कर यहां ले आए तो इस वाले की वजह से -1 चार्ज, ठीक है। सो यहाँ का तो आपको बच्चों समझ में आ गया। अब इधर चलते हैं, तो कार्बन का यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन वाला पाई बॉन्ड टूट गया। सो कार्बन ने बोला मेरे तो 3 ही बॉन्ड्स बचे अब, पर कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, कार्बन को तो 4 बॉन्ड्स बनाने थे, तो इस वाले ऑक्सीजन ने बोला कोई बात नहीं हम आपको वो दे देते हैं। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे दिए, 2 तो एज इट इज, पुराने वाले बॉन्ड तो एज इट इज रखोगे आप, उनको नहीं छेड़ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वो दे रहा है एक और पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये लोन पेयर तो एज इट इज वापस छोड़ देते हैं। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, 1, 2, एक तो अपने पास रखा तो कोई चार्ज नहीं होगा, एक इसने कार्बन को दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्योंकि इसने कार्बन को दिया बॉन्ड बनाने के लिए +1 चार्ज, तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही
इसी वाले से आप एक और बना सकते हो, मैं यहां लिख देती हूँ ना। अब की बारी इस वाले ने बोला मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू, और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री है, बट एक्चुअली में दिस इज आवर रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि इन दोनों की उससे ये वाला बनता है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, बच्चों इससे हमारी होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चों समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए देने वाली अभी क्वेश्चंस? क्लियर है? कुछ डाउट, कुछ एक्सप्लेन करूं? अभय, भावना, दिव्यांशु, निशांत, सिया? नो मैम। क्लियर है? नेक्स्ट। चलो ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, बनाओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, कोशिश करो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं और रेजोनेंस। ऐसा करते हैं, यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। और इसका रेजोनेंस ये हमारा ओजोन होता है O3। ओजोन के अंदर कैसे होता है, हमेशा ओजोन के अंदर कंफ्यूजन रहता था, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, कैसे करते थे, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। तीन ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी है कि वो दो ही बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। कभी भी ऑक्सीजन तीन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो आग बंद करके उस पर प्लस चार्ज लगा दो, दैट इज इट। तो यहाँ पर प्लस चार्ज, अगर ऑक्सीजन की दो बॉन्ड्स की कैपेसिटी है वो एक ही फॉर्म कर रहा है तो वो पे माइनस आता है। ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर है। इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है, इसने बोला कि मेरे को पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिए। ये ऑक्सीजन ने बोला कि मैं तो सिर्फ तीन ही बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता हूँ मैक्स, ऑक्सीजन मैक्स तीन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तीन से ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देगा, इसलिए लेफ्ट वाले पे नेगेटिव आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ये हमारे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इनके लिए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? ओ ओ ओ, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ एक्स और वाई बराबर है, ठीक है। टोटल चार्ज माइनस वन था तो इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो माइनस हाफ माइनस हाफ, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट पे चलूं? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट इज NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बताना? sp2, ठीक है। चलो अभी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, बताओ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। रेजोनेंस हाइब्रिड में चेक कराओ कि हर ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा।
नाइट्रेट आयन, ऐसे हम बनाते हैं बच्चों रेजोनेंस। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं? मैम रेजोनेंस हाइब्रिड में मैम चार्ज का मैम कैसे पता चला? टोटल चार्ज कितना है? -2। यस मैम। तीन में डिवाइड हो रहा है तो -2/3, -2/3, -3/3, तीनों को ऐड करोगे तो -6/3, यानी कि -2 हुआ और यहाँ पर +1 है, -2 और +1 हो गया -1, और हमको तो -1 ही दिखाना था। यस मैम। क्लियर, आगे बढ़ो। यस मैम। ओके नेक्स्ट, अब बच्चों हेडिंग लिखो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, फॉर ऑफ फॉर, रेजोनेंस कब एग्जिबिट होगी, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। पहला है प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी का मतलब होता है जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे हैव टू बी इन सेम प्लेन, ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैव टू बी इन सेम प्लेन। ठीक है, अभी समझाऊंगी कैसे पता चलता है प्लेनैरिटी वगैरह कैसे पता चलती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का ना ऐसा हिंदी में मीनिंग, जैसे जब मैं छोटी थी तो मैंने कैसे समझा, लगातार ना सेम चीज ना आए, मतलब डबल सिंगल डबल ऐसे करके आए, ऐसा नहीं कि डबल 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 बॉन्ड ऐसे कंटिन्यूअसली सेम सेम चीज आ गई, या सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूअसली सेम चीज आ रही है, ऐसा ना हो। इधर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, कुछ भी हो, पर लगातार कुछ डिफरेंट चीजें आए तभी रेजोनेंस पॉसिबल है, वरना रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे आप जब भी बेंजीन बनाते हो तो इसमें रेजोनेंस क्यों पॉसिबल है, इसका बनाते हो ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाते हो सब में घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे करके करते हैं, और जिसको अब आदत पड़ गई कि अंदर सर्कल ही बना देते हैं सीधा, है ना, पाई बॉन्ड बेसिकली घूम रहा है सारे 6 के 6 कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन कैसे है, डबल बॉन्ड, जिसमें यहाँ पे ऐसे उंगली रखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो बेसिकली हमारी लगातार सेम चीज नहीं आनी चाहिए, लगातार डिफरेंट चीज आनी चाहिए, तो हम बोलते हैं रेजोनेंस। गॉट इट, मतलब तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, सॉरी, तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, समझाऊं आगे कॉन्जुगेशन को डिटेल में, समझे आप? Yes, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखते हैं उसके बेसिस पर। मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ। सबसे पहला ऐसे 5-6 एग्जांपल्स करा रही हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेंस कैसे हो रही है। लेट्स से हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे प्लस चार्ज, क्या कॉन्जुगेशन है? हाँ है, डबल बॉन्ड सिंगल प्लस चार्ज मस्ट कॉन्जुगेशन, डबल या डबल या डबल फिर सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन तो है। ओके, अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन बोला अरे मेरे पास तो मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मेरे पास +1 चार्ज आ गया, तो तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरे को भी पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, तो ये वाले कार्बन ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ, ये वाला सिग्मा को नहीं छेड़ोगे आप, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले कार्बन ने क्या किया, बीच वाले कार्बन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स ना ये वाले कार्बन ने क्या किया, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट कर लिए। अब देखो कैसे शिफ्ट किए, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन, सो
ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बीच वाले कार्बन का ही था जिसको मैंने ऐसा ग्रीन डॉट बनाया, वो तो उसने लेफ्ट से राइट रख लिया, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था, लेफ्ट मोस्ट कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसने इस वाले कार्बन को दे दिया पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर आ गया प्लस चार्ज। समझ में आया रेजोनेंस कैसे बनाया हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया, पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा कैसे, बीच वाले कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट राइट यहाँ रख सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इसने इसको दे दिया जो शेयरिंग वाला था, तो ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए इस पे प्लस चार्ज, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसलिए इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, पहला रेजोनेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल, जो भी कॉन्जुगेशन हो रही है, तो अब मैंने बना लिया स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, हो रही है बढ़िया कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसने बोला कि मेरे को पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए, नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का अपना एक उसने एक्स्ट्रा ले रखा है, तो इस वाले कार्बन, बीच वाला जो कार्बन है, बीच वाले कार्बन ने बोला कि मैं चार बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता हूँ, मैं पांच बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकता हूँ। देखो इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड्स इधर फॉर्म हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से, ठीक है, तो चार बॉन्ड्स इसके ऑलरेडी फॉर्म हो रहे हैं, अगर ये वाला बॉन्ड बनता है तो इस कार्बन के पांच हो जाएंगे, पांच इज नॉट पॉसिबल, तो उसने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर लिए और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया CH2 minus CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा तरीका कॉन्जुगेशन का जब रेजोनेंस हो रही है। अब तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा इससे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, फ्री रेडिकल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल में क्या करोगे आप, ये वाला फ्री रेडिकल के केस में हमने पढ़ा था होमोलिटिक फिजन फर्स्ट क्लास में। होमोलिटिक फिजन का क्या मतलब होता है, जो पाई बॉन्ड है या कोई भी बॉन्ड है वो बराबरी से टूटता है, पाई सिग्मा कोई भी, तो हम यहाँ पे पाई तोड़ेंगे, रेजोनेंस में पाई को ही यूज करते हैं, तो ये बॉन्ड कैसे टूटा, दो इलेक्ट्रॉन से कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बना था, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ऐसे CH, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ये हमारा हो गया फ्री रेडिकल के केस में। नेक्स्ट चौथे एग्जांपल पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको कॉन्जुगेशन भी समझ में आ रहा है ना, आई होप, कॉन्जुगेशन मेन है, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल फ्री रेडिकल नंबर फोर, डबल सिंगल लोन पेयर। सो अभी यहां पर करते फिर से कॉन्जुगेशन, इसने अपने लोन पेयर दिए, इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट करे, तो CH2 पे नेगेटिव CH डबल बॉन्ड NH2 और N पे प्लस, ओवरऑल चार्ज विल रिमेन सेम, इस पे न्यूट्रल है तो माइनस प्लस न्यूट्रल, ओवरऑल इट हैज टू बी सेम। लोन पेयर वाला हो गया पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल। अच्छा नंबर फोर ले लेते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, बोरॉन के पास जो है ना वेकेंट ऑर्बिटल है, देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 1s 2 3, तीन इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने थे, और मतलब बेसिकली बोरॉन में ना तीन ही आ रहे हैं, यार लिख दे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s 2 2s 2 2p 1, ठीक है, सो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जब भी हो रही है तो 2s इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ मैं बना देती हूँ, बोरॉन का ये 2s वाला है बच्चों, ये 2p वाला है, 2s में दो थे
2p में एक थे, पर जब भी हाइब्रिडाइजेशन हुई तो s में एक, और यहाँ पर बोरॉन ने H से बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इधर भी H से बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, इधर कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। ये वाला जो है एक्सट्रीम राइट वाला, जो ये वाला है, ये वाला इज अपना वेकेंट ऑर्बिटल। और वेकेंट ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, बेसिकली बोरॉन के ना आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6, 8 नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अनहैप्पी है। देखो ना, बोरॉन ने 6 बॉन्ड्स बनाए, एक इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से, 3 अपने थे, ऐसे लिख देती हूँ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 2, 3, 3 अपने थे और 3 मिल गए उसको 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से, 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो बहुत अनहैप्पी है, अभी वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसकी। तो उस केस में क्या होगा, फिर से कर दो हाइब्रिडाइजेशन। कैसे करोगे हाइब्रिडाइजेशन, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर दो, और मैं ये बता रही हूँ। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, दिस इज आल्सो कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे चलो। सो कॉन्जुगेशन आइडेंटिफाई करनी है, प्लेनैरिटी आइडेंटिफाई करनी है। अगर कॉन्जुगेशन और प्लेनैरिटी है तो फिर रेजोनेंस पॉसिबल है। नंबर 5, नंबर 6, ये भी एक तरह की कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हर बार जो है अलग अलग चीजें आ रही, जैसे आपने बेंजीन में देखी थी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे ही डबल सिंगल डबल, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लो। यहाँ मैंने एकदम कम्प्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनाया है, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। ये वाला यहाँ शिफ्ट किया तो इस पर प्लस आएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर सकते, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 पे माइनस, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पे प्लस, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट इज अपना नंबर 7 पे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैक बॉन्डिंग से जो स्टेबिलिटी मिलते है ना, वो अलग ही गजब ही लेवल की स्टेबिलिटी मिलती है। कहीं पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो मत सबसे स्टेबल कंपाउंड पर, सबसे 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 स्टेबल, ठीक है, समझाऊंगी। कार्बोकटायन है, ये है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एकदम एडजेसेंट, जहां यहाँ पर जो है वेकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर है, सो ये अपने लोन पेयर दे देगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, वेरी स्टेबल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, CH2 पे प्लस, सो यहाँ पे रेजोनेंस दिखा देते हैं, ये दे देगा ऐसे, और CH2 प्लस, एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। और बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है ना कि मतलब कंपाउंड में गजब ही लेवल की स्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस, नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते बच्चों।
मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे. आई होप सबने नोट डाउन कर लियो. भावना, दिव्यांशु, निशांत, सिया, डन. यस मैम. अच्छा ओके. अब आप लोग मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाओगे. ठीक है. और ये भी बताना है कि रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी. प्लीज ट्राई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ बच्चों इनके. बच्चों शुरू कर रही हूँ. पहला वाला कर रही हूँ. इसने यहाँ पर दिया और इसने यहाँ पर दिया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे. दूसरा वाला करूँ. ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो पहले कॉन्जुगेशन है. हाँ पॉजिटिव सिंगल डबल मस्ट कॉन्जुगेशन चल रही है. तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए. पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया ये. यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज और ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज है. अब ये वाले आप यहाँ शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा ऐसे. ये इधर आ गया तो प्लस. क्या सेकंड वाली समझ में आई? भावना समझ में आ गई? यस मैम. दिव्यांशु? यस मैम. निशांत? यस मैम. सिया? यस मैम. ओके गुड थैंक यू. अब यहाँ वाली भी कर रही हूँ मैं. सेकंड थर्ड एग्जांपल में कर रही हूँ बच्चों. या तो इसको शिफ्ट कर सकते हो ऐसे तो हो सकता है आपका स्ट्रक्चर ये यहाँ चला जाएगा तो इधर पॉजिटिव और ये एज इट इज रहेगा. या फिर आप इसको शिफ्ट कर सकते हो तो आपका इसी से बना रही हूँ पहले वाले से ही बना रही हूँ. ये वाला एज इट इज रहेगा और इस वाले को शिफ्ट किया इधर और आया प्लस. सेकंड और थर्ड में देखो पॉजिटिव सिंगल डबल ठीक है. सो ऐसा चेन में चल रही है कॉन्जुगेशन लंबी सी चल रही है कॉन्जुगेशन. पहले आप ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ ऊपर शिफ्ट किए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें मेरा पेन है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा. ये वाला ऊपर चला गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया. इस वाले पे प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर प्लस चार्ज आया. फिर ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. बेसिकली जो राइट वाला है इलेक्ट्रॉन वो इधर आ जाएगा. तो ये ऐसे लंबाई में चल रही है कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. एक्सटेंड कर रही है एक्सटेंड लंबाई में देर तक चल रही है कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. अब यहां पर देखो यहां क्या हो रहा है ना. एक तरीका तो था कि यहां प्लस है लेफ्ट वाला पाई बॉन्ड को देखो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन आशित हो गए ठीक है. कैसे? ये वाला तो अपनी जगह पे ही रहा ये वाले को आपने यहां दे दिया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया. एक तरीका तो ये ठीक है ऐसे करके हो गया. इसके आगे नहीं हो सकते. देखो ना प्लस मतलब पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल सिंगल तो लेफ्ट में और ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है. अभी राइट की तरफ देखो बच्चों राइट वाली साइड में क्या हो रहा है.
ठीक है। अब आप लेफ्ट की जगह राइट वाला जो पाई बॉन्ड है इससे बना दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज। तो या तो हम कॉन्जुगेशन इस साइड चल सकते हैं या फिर कॉन्जुगेशन इस साइड चल सकता है, दोनों अलग अलग है, एक लंबाई में नहीं जा रहा है, या तो इधर करनी पड़ेगी या तो उधर। जब भी ऐसा हो तब आप बोलते हो क्रॉस कॉन्जुगेशन, उस केस में कहते हो क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन दोनों ही पॉसिबल है, दोनों की तरफ से रेजोनेंस हो सकती है। और कहीं आपको पूछ ले बच्चों ये और ये वाला जो कंपाउंड है, ये और ये वाला कंपाउंड अगर आप देखो, ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटो सेम है ना, 6 कार्बन और 2 पाई बॉन्ड और 1 पॉजिटिव चार्ज, एकदम डिटो सेम है, आइसोमर्जी है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप बोलोगे उप्स, तो आप बोलोगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर्ड टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। नोटेड डाउन। अभी चौथे वाले का बनाओ। मैं कर रही हूँ सॉल्व। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल डबल बस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन चल रही है। इसको यहाँ शिफ्ट किया, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ आया तो इधर आ गया और यहाँ आ गया प्लस, और ये तो एज इट इज ही है ना। 1 2 3 4 5 5 ये पूरा यहाँ शिफ्ट किया, इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है। और उसके बाद ये वाले को यहाँ शिफ्ट कर लो तो हो जाएगा ऐसे ऐसे और क्लियर है। आगे बढ़े, जिसमें आपको या एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन समझते हैं ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होती है बच्चों, क्रॉस कॉन्जुगेशन कम स्टेबल होती है। नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं। भावना नेक्स्ट पेज पे चलूं, लिख लिया? यस मैम। ड्रॉ कर लिए थे सारे बेटा? यस मैम। बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? फिनॉल कहते हैं इसको, बेंजीन पर OH लगाओ तो इसको कहते हैं फिनॉल। फिनॉल और अल्कोहल कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। दिस इज अ फिनॉल, फिनॉल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है फ्रॉम अल्कोहल से। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। सो देखो इधर कॉन्जुगेशन कैसे है बच्चों। ओके, लोन पेयर सिंगल, 5 आ रहे, वेरी गुड। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मस्त बढ़िया सी कॉन्जुगेशन चल रही है। लोन पेयर को भी ले लेना। सो पहले तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, इधर कैसे दिए ऐसा मैं मुझको नीचे यहाँ बना रही हूँ। देखो
ये तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर वन है, सबसे पहला वाला जो दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पेयर दिए, बोला कार्बन के साथ मैं डबल बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए। तो फिर ये वाला जो कार्बन है, जहां मैंने ऐसे बिंदु बनाई है, डॉट बनाई है नीले रंग, सो ये वाला कार्बन पर ऑलरेडी चार बॉन्ड्स फॉर्म हो रखे हैं, एक ऊपर लेफ्ट, मतलब एक ऊपर ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस वाले पे ऑलरेडी चार बॉन्ड्स फॉर्म हो रखे हैं। सो ये वाला कार्बन क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ये बार बार आउट ऑफ फोकस क्यों हो रहा है? सो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, एक तो लोन पेयर इंटैक्ट है, दूसरा लोन पेयर दिया था, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा ऑक्सीजन ने, एक इस कार्बन को दे दिया, इसलिए क्योंकि एक तो अपने पास रखा था इसलिए नो चार्ज, दूसरा इस वाले कार्बन को दे दिया इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसने यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर लिए। कैसे शिफ्ट करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही था तो इसने अपने पास ही रखा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ऐसे और ऐसे। देखो ओवरऑल न्यूट्रल था, ओवरऑल न्यूट्रल ही है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन ने बोला मेरे पे नेगेटिव चार्ज है, आई विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो इसने नेगेटिव चार्ज, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स, एक अपना और एक इस वाले कार्बन का था, इसने यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बोला, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। ऐसे अब यहां शिफ्ट कर दो, ये वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर 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 नेगेटिव चार्ज प्लस, अब ये इधर वापस जाएगा, पाई उधर वापस शिफ्ट हो गए और बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, which कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड भावना, 5 कैनोनिकल, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। और OH क्या कर रहा है, OH यहाँ पर कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमने पढ़ा था ना इंडक्टिव, उसमें वहां पर तो हम इसको इलेक्ट्रॉन माइनस आई में लेते थे, लेकिन दिस इज माइनस आई, OH अगर आपको याद होगा तो बच्चों माइनस आई है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है एक तरह से, क्योंकि रिंग में दे रहा है, वो बाद में पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को प्लस एम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बस शुरुआत कर रही हूँ, प्लस एम माइनस एम मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, वो बाद में समझाऊंगी बच्चों, बाद में समझाऊंगी, लेकिन ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, क्या ये बात क्लियर है? ऐसा ही एक और एग्जांपल दो बच्चों, रिटर्न एवरीवन, है ना, चलो थैंक यू, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड बेंजीन पे CH, इससे ब्लर हो गया, I don't know, तुमने ठीक हुआ, बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन पर CHO लगा दिया मैंने, C double bond OH, हाँ अब ठीक है, बेंजाल्डिहाइड, please try, CH2 पे plus एक ये, और बेंजीन पे CH2 लगाकर, number 3 यहाँ लिख देती हूँ, CH2 पे नेगेटिव, ठीक है, बेंजीन पे CH2 पे प्लस, बेंजीन पे CH2 पे नेगेटिव, जल्दी से बनाओ तब तक वो सर आ रहे हैं, हाँ
चलो ठीक है, अभी तो सही हो गया फटाफट से। मैं इसका वाला, ये वाला कर रही हूँ, और ये वाला लिख लो, बेंजीन पे सी एच टू प्लस, बेंजीन पे सी एच टू नेगेटिव, इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, चलो फटाफट से जो है हम लोग, So, बच्चों हाँ थैंक यू, चलो अभी सही है। चलो यहाँ पर बेंजीन पर CHO लगा है, बेंजीन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, सो फिर आपको क्या करना है इस केस में, व्हाट यू विल डू इज, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए और ऑक्सीजन ये वाले इधर शिफ्ट करता है। वो कैसे रहा है, C और O के बीच में पाई बॉन्ड है, सो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ना पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ओपन नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, कार्बन ने बोला मेरे को तो चार बॉन्ड्स बनाने थे, सो ये वाला कार्बन इन टर्न क्या करता है, जो ये वाले पाई बॉन्ड थे इनको इधर ऊपर खींच लेता है और आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से आप पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तीसरा सॉरी, यहाँ पर ये वाले इधर आते, फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। सो ऐसे बच्चों हमारे पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। होमवर्क मैं आपको दे रही हूं कि आपको बेंजीन पर CH2 प्लस और बेंजीन पर CH2 माइनस, इन दोनों के सिर्फ यही दो के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, किस तरह कर कर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ये वाली बात आपको बतानी है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ बच्चों, है ना, चलो ओके नेक्स्ट। अब हेडिंग लिखो बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अपनी हेडिंग लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होगा क्या ना, आपको हमें कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं कि हमने आपसे पूछ लिया कि लेट्स से एक तरफ है ये और दूसरी तरफ है इसी का, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर OH है, ठीक है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, यहाँ पर ये इधर शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर A है, ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। सो आपसे ना एग्जाम में, जेई में, नीट में पूछा जा सकता है कि देखो ये भी एसिटिक एसिड है और ये भी एसिटिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही वाला कंपाउंड रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सो आपको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को अरेंज करना हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि ए बी सी डी ऐसे चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए और बोला कि इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो,
या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसके लिए होते हैं चार रूल्स. सो हमको वो चारों रूल्स स्टडी करने हैं. मैं चारों रूल्स लिख रही हूँ कि आप वो चारों रूल्स और उसी ऑर्डर में भी अप्लाई करोगे. सबसे पहले रूल नंबर वन अप्लाई करोगे, रूल वन से अगर आपका सॉल्व ना हो पाए तो रूल टू अप्लाई करो, रूल टू से सॉल्व करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताओ. अगर रूल टू ना लगे तो रूल नंबर थ्री और फाइनली रूल नंबर फोर. ठीक है, सो हम लोग लिख रहे हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सबसे पहला रूल है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल. न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, जो न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी लिखा था ऐसा ही उसका दूसरा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं. एक ये है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इधर और पाई इधर शिफ्ट कर दो तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया. So, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर ए और बी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? ए, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है ना वहां पर, तो प्लस माइनस चार्ज आ गया, इसलिए न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज वाले से. So A is more stable than B. Capital में लिखा है. A is more stable than B. Neutral वाला is more stable than charge resonating structure. Okay. Next, rule number two. Rule number one से solve करने की कोशिश करना कि neutral और charge देखो तो जो neutral वाला है वो ज्यादा stable है चार्ज वाले से. उसके बाद रूल नंबर टू अप्लाई करो, ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर कभी भी आपको दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उसके अंदर किसी एक में पाई बॉन्ड है और दूसरे में नहीं है, तो जिसमें या फिर ऐसा कह लो कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है. ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. डायरेक्टली एच कट जैसे कि वहां रेजोनेंस ना हो. ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उसने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ शिफ्ट कर ली तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3OP-SH+H. सो ये ए है, ये वाला बी है एंड ए इज मोर स्टेबल देन बी. ठीक है, ये लिख लो, फिर इसके ऊपर एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट एग्जांपल दो, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ. यस मैम. सो एग्जांपल है CH3 और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे?
ऐसे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, है ना। सो ए और बी सबसे पहले देखो, सबसे पहले अप्लाई करो रूल नंबर वन, कौन सा वाला न्यूट्रल है, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है। फिर देखो कि रूल नंबर टू अप्लाई करो, किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, बी वाले में, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भावना, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मैम बी। बी, सो आप लिख दोगे बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। ये थे बच्चे हमारे दो रूल्स, टोटल हमारे पांच रूल्स हैं। अभी टाइम नहीं बचा है, आज की क्लास मैं यहाँ ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस के जो ये स्टेबिलिटी के हैं, कौन से वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन से वाले कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो टॉपिक है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है।